हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ TVS की तरफ से जैपलिन जो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाली थी, क्या वो बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी या सिर्फ अफवाह है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है। एंड इस वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल बताया जाएगा जैपलिन से रिलेटेड, उसका प्राइस, माइलेज एंड लॉन्चिंग डेट के रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इंडियन मार्केट में जैपलिन लॉन्च करने वाली है या नहीं, ठीक है। एंड एक बात और गाइज, आप लोग तो वीडियोस देख रहे हो, साथ में यार सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या चला जाएगा, ठीक है। एक सब्सक्राइब से यार बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, ठीक है, वीडियो बनाने में एंड अच्छे अच्छे कंटेंट लाने में आपके लिए। तो आप देख सकते हो यार कितना लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई एक सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री होता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको टैक्स नहीं कटने वाला है एक सब्सक्राइब में, तो आप सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। सो बात कर लेते हैं अब इसकी लॉन्चिंग डेट की। तो 2014 में इसका मोटो एक्सपो की तरफ से एक अपडेट आया था, जिसमें यह बताया गया था कि जैपलिन को जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च कराया जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आया 2022 तक। बीच बीच में छोटे छोटे अपडेट आते रहे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था गाइज। इस बाइक से रिलेटेड वो अपडेट नहीं था कि ये बाइक इंडियन मार्केट में कब लॉन्च कराया जाएगा। एंड सडनली आपको क्या देखने को मिलता है कि 2022 में एक आपको बाइक TVS की तरफ से देखने को मिलता है, जो कि TVS रोडिन आपको देखने को मिल गया इंडियन मार्केट के अंदर। एंड हम लोगों को क्या बताया जा रहा था कि 2022 के अंदर जैपलिन को लॉन्च कराया जाएगा, जैपलिन 220 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कराया जाएगा, लेकिन ऐसा हम लोगों को देखने को नहीं मिला। एंड अभी तक इस बाइक से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है गाइज कि ये बाइक इंडियन मार्केट में कब लॉन्च करने वाली है, ठीक है। बात कर लेते हैं इस बाइक से रिलेटेड कुछ फीचर्स की। तो सबसे पहले इसमें जो आपको मेन फीचर देखने को मिल रहे थे वो इसका स्टाइल एंड डिज़ाइन। इस बाइक से रिलेटेड कुछ फीचर आपको बता देना चाहता हूँ। इस बाइक में सबसे पहला जो आपको देखने को मिल रहा था 2014 में इसका ट्रिजर रिलीज किया गया था, उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा था कि भाई इसमें USD फॉर्क देखने को मिलेगा, यानी USD सस्पेंशन देखने को मिलेगा। जो इसका इंजन देखने को मिलता था वो काफी आपको हाई CC का इंजन देखने को मिला, 220 CC का इंजन देखने को मिल रहा था। एंड सभी बाइकों में आपको चेन ड्राइव देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बाइक में आपको क्या देखने को मिल रहा था उस टाइम, बेल्ट ड्राइव, जिससे कि इसका पिकअप एंड इसका परफॉर्मेंस काफ़ी इंक्रीज होने वाला था इंडियन मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन आपको रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है 2022 में कि भाई आपको तो एक TVS की तरफ से रोनिन को थमा दिया गया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ भाई कि एक रोनिन जो बाइक है वो खराब बाइक है, वो अच्छा बाइक नहीं है, वो भी अपने जगह पे एक बेस्ट है, लेकिन दिखाया क्या जा रहा है और दिया क्या जा रहा है इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसको एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि 2014 से 2022 तक आपको एक कन्फ्यूजन में रखा गया, आपके अंदर एक्साइटमेंट को जगाया गया कि भैया आपके लिए एक क्रूजर बाइक TVS वालों ने लॉन्च कराने जा रहा है, जिसके लिए आप एक्साइटेड हो गए, एंड बीच में आपको क्या थमाया गया, रोनिन, ठीक है। कुछ लोग अभी भी इस बाइक से रिलेटेड अपना एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि भाई ये बाइक 2024 में तो बिल्कुल लॉन्च करने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ये बाइक इंडियन मार्केट में अभी लॉन्च नहीं करेगी, क्योंकि इसका कोई भी अपडेट नहीं है TVS वालों की तरफ से। आप खुद से कुछ भी बोल दोगे तो ये नहीं चलने वाला है इंडियन मार्केट में। इस बाइक का जो इंजन मिलने वाला था गाइस, 220 CC का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर का इंजन मिलने वाला था, 6-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलने वाला था, डुअल चैनल ABS देखने को मिलने वाला था, एंड इसमें ट्यूबलेस टायर ऑब्वियसली देखने को मिलने वाला था, एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें मिलने वाला था वो USD सस्पेंशन दिखाया जा रहा था। जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी बाइकों में भाई चेन ड्राइव दिया जा रहा था, एंड इस बाइक में आपको बेल्ट ड्राइव दिया जा रहा था ताकि इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। एंड जैपलिन लवर्स बहुत थे इंडियन मार्केट में जिसका वेट कर रहे थे भाई, लेकिन अभी तक तो ये बाइक इंडियन मार्केट में आई नहीं, कब तक आएगी कुछ इसका पता नहीं है, ठीक है। जब भी कोई अपडेट आता है उसके लिए मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एंड इस टॉपिक पे एक और वीडियो होने वाली है गाइज, जिसमें मैं आपको प्रूफ के साथ ये बता दूंगा गाइज कि ये इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाली है या नहीं, ठीक है, विथ प्रूफ, नो फेक, नो कुछ भी इधर उधर से नहीं, प्रूफ के साथ बात किया जाएगा कि ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी या नहीं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो, ठीक है। एंड जो इसका प्राइस होने वाला है गाइज, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जिन पे इसका प्राइस दिखाया जा रहा है, 1,50,000 के अप्रोक्स इसका एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर। मैं उन वेबसाइट से कहना चाहता हूँ कि भाई क्यों लोगों का फायदा उठा रहे हो, 220 CC का बाइक देने वाला है, ठीक है,
तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज, इसका एक्सपेक्टेड प्राइस भी अभी तक रिवील नहीं किया गया है कि ये बाइक इंडियन मार्केट में कितने प्राइस पर लॉन्च करने वाली है। सो गाइज, अभी तक आपने इस टॉपिक पे जितनी वीडियोस देख चुके हो उनके लिए सिर्फ एक ही वर्ड है, वो सारे वीडियोस फेक हैं। ठीक है, आई होप कि ये बाइक इंडियन मार्केट में जल्द से लॉन्च कर जाए ताकि हमारा जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज ऐसे ही एक जेन्युइन वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।